जय जोहार संगवारी, एक्सप्लोर सुघर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की ओर, जहां है भोरमदेव मंदिर। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भोरमदेव रायपुर से जबलपुर मार्ग NH-30 पर स्थान चौरा ग्राम छपरी जिला कबीरधाम यानी कवर्धा में स्थित है। यहाँ फणी नागवंशियों के द्वारा भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया गया, जो नागर शैली की अद्भुत कला का प्रमाण है। इसके समीप ही मड़वा महल और छिरकी महल भी स्थित है। आइए एक एक कर जानते हैं इन मंदिरों की खासियत। भोरमदेव मंदिर 1089 ईस्वी में फणी नागवंशी शासक गोपाल देव के द्वारा बनवाया गया था। भोरमदेव मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही गर्भगृह में ही गोंड राजा भोरमदेव अपनी पत्नी और गुरु संग विराजे हैं। शिवलिंग के सीध में पत्थर की नकाशी में एक श्रीयंत्र बना हुआ है। इस मंदिर का नाम वहां के प्रसिद्ध गोंड राजा भोरमदेव के नाम पर रखा गया है। भोरमदेव मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मड़वा महल है। इसका निर्माण 1349 ईस्वी में फणी नागवंशी शासक रामचंद्र देव के द्वारा कराया गया था। छत्तीसगढ़ी में विवाह मंडप को मड़वा कहा जाता है। दरअसल रामचंद्र देव ने शिवलिंग स्थापित कर उसे साक्षी मानकर कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था और स्थानीय भाषा में शिवजी को दूल्हा देव भी कहा जाता है, इसलिए मड़वा महल का दूसरा नाम दूल्हा देव भी है। इस मंदिर के आधार पर कुछ इतिहासकार फणी नागवंशी शासकों को खजुराहो के चंदेल वंशीय शासकों के समकालीन मानते हैं, क्योंकि इस मंदिर की प्रणय मूर्तियों की रचना प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर से मिलती है। इन मूर्तियों के बनावट पे कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 11वीं सदी में कुछ विशेष धर्मों का प्रचार प्रसार होने लगा था, जिसे एक बड़ा युवा वर्ग प्रभावित होकर संन्यास और वैराग्य की ओर बढ़ रहा था। इस पलायन से सृष्टि की रचना स्थिर ना हो जाए, यह सोचकर कुछ विद्वानों ने सांसारिक आकर्षण को बल देने के लिए चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम मोक्ष में गृहस्थ जीवन और भौतिक सुखों की शिक्षा के लिए इन मूर्तियों को माध्यम बनाया। यह प्रणय मूर्तियां 54 प्रकार से शाश्वत प्रेम को बखान करते हुए अपने साथी के प्रति समर्थन की भावना व्यक्त करती है। साथ ही इन मूर्तियों की बेहतरीन और आकर्षक कलाकृतियां उस सदी की खुली विचारधारा का बोध भी कराती हैं। भोरमदेव मंदिर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर छिरकी महल है। कहा जाता है कि इस महल से बकरी की गंध आती है और बकरी को स्थानीय भाषा में छेरी कहा जाता है, इसलिए इसे छिरकी महल कहते हैं। भोरमदेव के प्रांगण में हनुमान जी, दुर्गा माता और भैरव बाबा का भी मंदिर है। भोरमदेव मंदिर छत्तीसगढ़ के उन पर्यटन स्थलों में से है जिसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हांकित किया गया है। यहाँ पर हर साल भोरमदेव महोत्सव आयोजित किया जाता है,
जिसे देखने देश विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। महाशिवरात्रि का मेला लगता है और सावन में श्रद्धालुओं की अपार संख्या भोरमदेव मंदिर पहुंचती है।